नमस्कार, मैं डॉक्टर मन्नान अख्तर, जिलाधिकारी जालौन बोल रहा हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद कुछ बातें अपने जनपद वासियों के सामने भी मैं रखना चाहूँगा, खास करके कोरोना वायरस और कोविड-19 बीमारी को लेकर जो भ्रम फैले हुए हैं उनको लेकर। हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी भ्रामक सूचना ना फैलाएं और सिंपल प्रिकॉशंस को जो है मेंटेन करें, कहीं पे भी भय फैलाने की कोशिश ना करें। अभी तक हमारे जनपद में कोई भी कोरोना का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सिंपल कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है प्रिकॉशन के तौर पे करनी है, जैसे अपना हाथ धोना, साफ सफाई घर में मेंटेन करना, अगर आपके यहाँ पे पोछा हो तो लगातार पोछा करते रहें, जो भी चीज़ को आप छूते हैं या उस पर आपकी हाथ नज़र पड़ती हो ज़्यादा तो उसको आप पोछते रहें, साफ करते रहें। बाहर आप घर से तभी निकले जब आपको लगे कि ज़रूरी है, बिना ज़रूरत के बाहर ना जाएं, पार्टी या मॉल में जाना या दुकानों में जाना, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, इस तरह की गतिविधियों से थोड़े दूर रहें। सामाजिक दूरी आपस में बनाए रखें, ज़रूरी होने पर ही सिर्फ बाहर निकलें। मास्क इत्यादि की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी खांसी जुकाम या सांस लेने में दिक्कत है और आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जो कि बाहर से आया हो, जो संदिग्ध की श्रेणी में आता हो, तभी जो है आप मास्क का इस्तेमाल करें। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और अगर आपको लगता है कि आपको लक्षण है तो नज़दीकी अस्पताल में जाएं। हमारे यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स, क्वारंटाइन वार्ड्स दोनों बने हुए हैं, कोई डर की बात नहीं है। अगर आपको लगता है सिम्टम्स है और आप किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जो कि बाहर से आया हो या ऐसे देशों से आया हो या वो किसी ऐसे व्यक्ति जिसको कोरोना रहा हो उसके कांटेक्ट में रहा हो, तो आप ज़रूर आएँ, डरने की कोई बात नहीं है। आपका इलाज हमारे अस्पतालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री करने की बात कही है। अपने घर में जो आपके वृद्ध लोग हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें, कोशिश करें कि वो कम से कम बाहर जाएं और कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आएं, क्योंकि जो वृद्ध जन हैं उनमें इस बीमारी के असर ज़्यादा दिखते हैं, तो ये कोशिश रहे कि उनसे जो है आप उनको जितना अलग रख सकें कि एक स्वच्छ माहौल में जो है वो रह सकें, इसको ध्यान रखें। अपना खान पान और स्वास्थ्य को जो है ख्याल रखिए। तो इतने छोटे छोटे प्रिकॉशंस अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग कोरोना पे जो है विजय पा सकते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील था कि जनता कर्फ्यू संडे को हम लोग सब ट्राई करें और कोशिश करें कि जो हमारे स्वास्थ्य सेवक हैं उनकी हम मदद कर सकें और इस विषाणु को, वायरस को फैलने में जो है हम लोग रोकने में जो है अपना योगदान भी कर सकें। धन्यवाद।